टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी, जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा विवादों में घिरी रहती हैं, और अब ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो परेशानियां हैं वो कम नहीं हो रही हैं। अब आपको बता दें कि एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी जालसाजी का आरोप लग चुका है श्वेता तिवारी पर, और क्या उन्हें इस चीज़ के लिए 14 साल की जेल भी हो सकती है। एक आपको बता दें, एक दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको एक बड़ा खुलासा बता दें कि आखिरकार हुआ क्या है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों की माने तो 1 मार्च को श्वेता तिवारी के खिलाफ बांद्रा कुर्ला पुलिस स्टेशन में धारा 467, 468, 417, 418, 463 और 465 के तहत FIR को दर्ज किया गया है श्वेता तिवारी के खिलाफ। और ये जितनी भी सेक्शन है, जितनी भी धाराएं हैं, ये सब जालसाजी के लिए है, जिसमें 467 जो एक सेक्शन है, जो धारा है, इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब आपको बता दें कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। दरअसल दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक करीबी सूत्र बताते हैं कि करीब 3 महीने पहले श्वेता तिवारी के पति हैं अभिनव कोहली ने कोर्ट में ये याचिका को दायर किया था कि उनका आरोप था कि श्वेता ने उन्हें उनके 4 साल के बेटे रियांश से मिलने नहीं दे रही हैं, और इस याचिका में श्वेता पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया गया था और लिखा गया कि एक्ट्रेस ने अभिनव के फर्जी दस्तखत करके अपने बेटे रियांश के लिए ब्रिटिश वीज़ा बनवाया था और बांद्रा कोर्ट मेट्रोपॉलिटन के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने BKC पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज करने का आदेश भी दिया था। सोर्सेस की माने तो श्वेता रियांश को अभिनव से दूर करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। वो अभिनव को बिना बताए रियांश का UK का वीज़ा बनवाना चाहती थी ताकि उसे कुछ महीने के लिए लंदन लेके जा सके। उस वक्त रियांश की उम्र महज 3 साल की थी और इसलिए वीज़ा के कागजात पर पिता का NOC चाहिए होता है, कि पिता का क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है, पेरेंट्स का यानी हस्बैंड वाइफ जो पेरेंट्स है, फादर और मदर, उन दोनों का NOC लगता है विद साइन के साथ। और श्वेता ने NOC पर अभिनव के फर्जी साइन किए थे और भनक लगते ही अभिनव ने ब्रिटिश वीज़ा डिपार्टमेंट को ईमेल करके इसकी जानकारी दी थी। हालांकि तब तक वीज़ा बन चुका था, लेकिन मुंबई के अधिकारियों ने जब इसकी पूरी इंक्वायरी की, जांच की, और उसमें श्वेता तिवारी ने फर्जी दस्तखत की जो बात है वो कबूल भी ली थी, और 2 दिन के अंदर रियांश का जो वीज़ा है उसे रद्द हो गया। और आपको बता दें कि जब अभिनव ने बताई थी फर्जी दस्तखत की पूरी बात, अभिनव कोहली ने अक्टूबर 2020 में दैनिक भास्कर से बातचीत में अभिनव कोहली ने ये खुलासा किया था कि जो फर्जी जो साइन किए गए थे उस वाली बात पर उन्होंने कहा था कि श्वेता ने मेरे फर्जी साइन के जरिए रियांश का UK का वीज़ा बनवाने की कोशिश की थी और मेरे पास इसके लीगल भी सबूत हैं। श्वेता का कोई दोस्त था, उसने अभिनव कोहली को श्वेता के प्लानिंग के बारे में बताया था और मुझे लग रहा था कि वो रियांश को या तो अमेरिका या फिर UK ले जाने की वो प्लानिंग कर रही हैं, और इन देशों के जो कानून हैं इसके तहत जो बच्चे हैं उसके फादर और मदर दोनों के साइन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक NOC होती है, उसके लिए साइन होना ज़रूरी है, जिस पर श्वेता ने मेरे फर्जी साइन किए। खुशनसीब था कि मैंने 15 दिन पहले ही दोनों देशों को चिट्ठी लिखकर इस बारे में बता दिया था कि वह किस हद तक जा सकती है, ये कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा या जा सकता। ये बड़े आरोप लगाए थे अक्टूबर 2020 में दैनिक भास्कर एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बातचीत हुई थी अभिनव कोहली की। और अब इसी खबर पर, जो आज जो खबर ये प्रिंट हुई है, इसी खबर पर अभिनव कोहली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है धन्यवाद दैनिक भास्कर, जिस पर जो आर्टिकल, वही वाला आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें श्वेता तिवारी के पति अभिनव कोहली ने दिसंबर 2020 में एक्ट्रेस के खिलाफ याचिका दायर की थी और अभिनव का कहना था कि श्वेता ने उन्हें 4 साल के बेटे रियांश से मिलने नहीं दे रही है। जो ये जो आर्टिकल था, जो आप देख सकते हैं सामने, इस आर्टिकल में अभिनव कोहली ने लिखा है धन्यवाद दैनिक भास्कर। इसी के साथ उन्होंने एक और फोटो को पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल को छापा है और उसी आर्टिकल की फ़ोटो के साथ उन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने DM करके बोला है कि रिसेंटली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में श्वेता ने आप पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था और आपसे डिवोर्स मांगा था, जिस पर उन्होंने पूछा है कि क्या ये सच था। जिस पर अभिनव कोहली ने कहा कि तो मेरे
तो मेरा सबके लिए एक ही जवाब है कि नहीं, मैंने कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया था, ना ही मेरे पे कोई केस हुआ था और ना ही श्वेता तिवारी ने मुझसे कोई डिवोर्स मांगा था, और श्वेता ने आज तक मुझसे कोई डिवोर्स नहीं मांगा है। ये गलत न्यूज़ है, जबकि मैंने 12 जून 2020 को भी यही बात पब्लिकली क्लैरिफाई कर चुका हूँ। 9 महीने हो गए हैं अपने बच्चे को एक बेसिक राइट टू बी विद हिज फादर एट लिबर्टी की, और अपने बच्चे को रोज गले लगा सकने की लड़ाई लड़ते लड़ते। आई थिंक एवरीवन हु हैज सपोर्टेड मी इस चीज़ के लिए। तो अभिनव कोहली ने दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला है और उन्होंने थैंक्स बोला है दैनिक भास्कर को। आखिरकार क्या सच्चाई है, अभी इसका पूरा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ी खबर जो कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सामने रिवील हो रही है।